यार बड़े, आजकल ये यूट्यूब पर और मोबाइल के ऊपर बिटकॉइन के और क्रिप्टो करेंसी के बहुत ज़्यादा ऐड आ रहे हैं यार, लेकिन मुझे ये पता नहीं क्या कि ये होता क्या है। इस वजह से मैं इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में समझ नहीं पा रहा हूँ यार। देख छोटे, अपन अपनी रोज़ाना की लाइफ में करेंसी तो यूज़ करते ही हैं। जैसे देख, अभी अपन यहाँ कैफ़े में पेमेंट करेंगे तो वो भी अपन एक करेंसी का यूज़ करके ही करेंगे, बराबर। देख, अपन यहाँ पे कैफ़े में पेमेंट करने के लिए जो भी पैसा देंगे वो एक फिज़िकल करेंसी है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी ये डिजिटल करेंसी होता है। कहने का मतलब यह है कि ये करेंसी जो हम यहाँ पे अभी देने वाले हैं, इसको RBI प्रिंट करता है, ये पेपर मनी है। लेकिन जो क्रिप्टो करेंसी है वो कहीं पे भी प्रिंट नहीं होता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ बिट्स और कोड्स में बनाया हुआ है, इसीलिए हम उसको डिजिटल करेंसी कहते हैं। लेकिन बड़े, मेरा एक सवाल है कि जब अपने पास ऑलरेडी फिज़िकल करेंसी है तो अपने को क्रिप्टो करेंसी की ज़रूरत ही क्या है? और देखिए, जो क्रिप्टो करेंसीज है ये तो डिजिटल करेंसी है, मतलब हम इसको सिर्फ डिजिटली ही यूज़ कर सकते हैं। अपने को कुछ ऑनलाइन परचेस करना होगा, कुछ ऑर्डर्स देना होगा, तभी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। फिर तो इसकी यूजेबिलिटी भी अपने फिज़िकल करेंसी से बहुत कम है। तो ये सवाल तो बनता है ना बड़े, कि आखिर ये क्रिप्टो करेंसी बनाई ही गई क्यों है? इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि जो ट्रेडिशनल पेमेंट सिस्टम है यानी बैंकिंग सिस्टम है वो कैसे काम करता है और उसमें क्या ऐसी खामियां है कि जिसकी वजह से हमें क्रिप्टो करेंसीज इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत पड़ गई। क्योंकि ट्रेडिशनल बैंकिंग और पेमेंट सिस्टम में जो भी प्रॉब्लम्स है उन्हीं को सॉल्व करने के लिए क्रिप्टो करेंसीज का जन्म हुआ है। अरे वाह बड़े, तू तो पूरा बेसिक से नॉलेज दे रहा है यार। बता, आखिर क्या प्रॉब्लम है ट्रेडिशनल बैंकिंग में कि हमको क्रिप्टो करेंसी की ज़रूरत पड़ गई? देख, मैं तुझे एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान ले कि मुझे तुझे 1,000 रुपया भेजना है। ऐसे में ट्रेडिशनल सिस्टम में क्या होता था कि मैं अपने बैंक में जाऊँगा और वहाँ पे तेरे नाम से मैं कोई NEFT या फिर RTGS वहाँ पे रजिस्टर करूँगा और फिर एक फाइनेंशियल सिस्टम के थ्रू वो पैसा तेरे अकाउंट में आएगा। इस तरह की ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम जो होती है उसे एक सेंट्रलाइज सिस्टम कहते हैं, क्योंकि ये सारे एक्टिविटीज़ एक सेंट्रल अथॉरिटी गवर्न करती है, कंट्रोल करती है। अब जाहिर सी बात है कि अगर मैं बैंकिंग के थ्रू तुझे पैसा ट्रांसफ़र करूँगा तो बैंक अपने चार्जेस भी लेंगे। क्यों? क्योंकि बैंक ने अपनी ब्रांच खोल रखी है, वहाँ पर एम्प्लॉइज़ बिठा रखे हैं जो हमको सर्विस दे रहे हैं, तो बैंक को भी तो अपना पैसा कमाना है, तो हमें वहाँ पे चार्जेस देने पड़ेंगे। ये तो बिल्कुल सही है बड़े, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या है। छोटे, इसमें प्रॉब्लम ये है कि जब मुझे तुझे पैसा देना था तो मैं डायरेक्टली तुझे पैसा नहीं दे सकता, मुझे बैंक के थ्रू जाना पड़ता है। और जब मैं बैंक की सर्विस यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे उस सर्विस चार्ज तो देना ही पड़ता है, साथ ही साथ उसमें टाइम भी ज़्यादा लग जाता है। ये तो हुई पहली प्रॉब्लम कि ट्रेडिशनल बैंकिंग के अंदर टाइम ज़्यादा लगता है और चार्जेस भी ज़्यादा होते हैं। दूसरा प्रॉब्लम क्या है? देख छोटे, मैंने तुझे बताया था कि जो ट्रेडिशनल सिस्टम है वो एक सेंट्रलाइज सिस्टम है, जहाँ पे एक सेंट्रल सर्वर सारे डेटा को रिकॉर्ड करता है, सारे डेटा को सेव करता है। ऐसे में कोई हैकर अगर चाहे तो उस सेंट्रल सर्वर को अगर हैक कर लेगा तो जितने भी अकाउंट्स हैं, जितने भी रुपये हैं, उनको वो हैक करके मिसयूज़ कर सकता है। ऐसे में जो ट्रेडिशनल सिस्टम है वो काफ़ी कम सिक्योर है। हाँ यार बड़े, इसीलिए तो आए दिन अपन किसी न किसी बैंक स्कैम की, बैंक फ्रॉड की न्यूज़ सुनते रहते हैं। एग्जैक्टली छोटे, अब तो बात को पूरी तरह से समझ रहा है। देख, जब इस तरह से बैंकिंग के फ्रॉड होते हैं ना, तो पब्लिक का भरोसा ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम से उठ जाता है और पब्लिक खुद भी एक अल्टरनेट बैंकिंग सिस्टम, एक अल्टरनेट ट्रांजैक्शन सिस्टम ढूंढने लगती है और वो अल्टरनेट ट्रांजैक्शन सिस्टम उन्हें क्रिप्टो करेंसी के थ्रू मिली है। यार बड़े, ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम का अनसेफ होना या कम सिक्योर होना ये तो हुई दूसरी प्रॉब्लम, तो तीसरी प्रॉब्लम क्या है? छोटे, तीसरी प्रॉब्लम है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स में होने वाली परेशानी। अगर कभी तू इंडिया से
पेमेंट बाहर भेजने की कोशिश करेगा ना, तब तुझे समझ में आएगा कि ये प्रोसेस कितनी टाइम टेकिंग और कितनी हेक्टिक है, साथ ही साथ इसके अंदर कितने ज़्यादा चार्जेस लग जाते हैं। मैं जानता हूँ बड़े, हमारे पड़ोसी करीम चाचा बोल रहे थे कि उनका बेटा असलम दुबई से जितने पैसे भेजता है ना, उसमें से बहुत से पैसे तो ट्रांजैक्शन चार्जेस में ही कट जाते हैं। देख, वैसे तो ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम में और भी कई सारी खामियां हैं, लेकिन इन तीन मेजर रीज़न की वजह से आजकल बहुत सारी पब्लिक क्रिप्टो करेंसीज की ओर रुख कर रही है। तो बड़े, मुझे ये बता कि आखिर क्रिप्टो करेंसीज इन तीन मेजर प्रॉब्लम्स को कैसे रेक्टिफाई करते हैं, या फिर क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिशनल बैंकिंग से किस तरह बेहतर है। देख, मैं तुझे एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान ले मुझे तुझे 1,000 रुपये ट्रांसफ़र करने हैं, ऐसे में मुझे किसी बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं डायरेक्टली ऑनलाइन तुझे पैसा ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, वो बिटकॉइन के फॉर्म में होगा। उसके लिए मुझे ना तेरा बैंक अकाउंट नंबर चाहिए, ना ही मुझे कोई ब्रांच कोड चाहिए, डायरेक्टली बस मुझे तेरा वो वर्चुअल पेमेंट एड्रेस चाहिए, एक आईडी चाहिए जिसके ऊपर मैं पैसा ट्रांसफ़र करूँगा। अरे वाह, फिर तो बैंक जाने का झंझट ही ख़त्म हो गया बड़े। क्रिप्टो करेंसीज के ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की युद्ध से किए जाते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इतनी सिक्योर है कि उन्हें हैक कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। यही रीज़न है कि हमारे जो भी ट्रांजैक्शन है वो अगले व्यक्ति तक पहुंचने के 100% के करीब करीब चांस है। यही रीज़न है कि हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को ट्रस्ट कर सकते हैं। जब हम ब्लॉकचेन का यूज़ करके पेमेंट करते हैं, तब हमें बैंक के थ्रू जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी कि ये एक पीयर टू पीयर मेथड ऑफ पेमेंट है, जिसके कारण हमारा ट्रांजैक्शन टाइम बहुत कम हो जाता है। साथ ही साथ थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, इसकी वजह से जो ट्रांजैक्शन चार्जेस हम पे करते हैं वो बहुत ही नॉमिनल से चार्जेस होते हैं। अरे वाह बड़े, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी तो बहुत काम की चीज़ है यार, यानी टाइम भी कम लगता है और चार्जेस भी कम लगते हैं। साथ ही जब हम क्रिप्टो करेंसीज में पेमेंट कर रहे हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि जिसे हम पेमेंट कर रहे हैं वो हमारे ही देश में रह रहा हो, यानी कि हम दुनिया के किसी भी कोने में क्रिप्टो करेंसीज के यूज से पेमेंट कर सकते हैं। अरे वाह बड़े, तूने जो भी समझाया इससे मुझे इतना तो समझ गया कि क्रिप्टो करेंसीज और ब्लॉकचेन ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जो बैंकिंग में जो भी खामियाँ थी उनको पूरा कर रहे हैं। तो अब मुझे ये बता कि मुझे बिटकॉइन खरीदना चाहिए या नहीं। देख छोटे, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की यूजेबिलिटी देखते हुए हम लोग ये कह सकते हैं कि ब्लॉकचेन सुपर एफिशिएंट है, कॉस्ट सेविंग है, साथ ही साथ सिक्योर भी है। लेकिन ब्लॉकचेन और क्रिप्टोकरेंसीज के लॉन्ग टर्म फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम्स भी है। क्यों बड़े, जब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और क्रिप्टोकरेंसी इतने अच्छे हैं, इतना कन्वीनियंस हमको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आखिर उसमें क्या प्रॉब्लम है, क्यों उसको इतना वाइडली एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। छोटे, क्रिप्टो करेंसीज और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि यह कम्प्लीटली अनरेगुलेटेड मार्केट है, यानी इसे कोई भी कंट्रोल नहीं कर रहा है। ऐसे में हमें ये नहीं पता चल रहा कि कौन किसे कितना रुपया भेज रहा है। देख, बिटकॉइंस और ब्लॉकचेन्स कम्प्लीटली अनरेगुलेटेड है और डिसेंट्रलाइज्ड है। इससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि गवर्नमेंट्स को ये पता ही नहीं लग पाता कि किसके अकाउंट में कितने बिटकॉइंस है, और यही रीज़न है कि कई सारे देशों की गवर्नमेंट बिटकॉइन को बैन करने के ऊपर तुली हुई है, क्योंकि बिटकॉइन से आने वाले पैसों का उपयोग करके टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को बढ़ावा मिल सकता है, मनी लॉन्ड्रिंग की जा सकती है, और ऐसे ही कई सारे ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे प्रॉब्लम भी इसकी वजह से बढ़ सकते हैं। तो बड़े, मुझे इतना समझा कि मुझे बिटकॉइंस के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। देख छोटे, बिटकॉइंस और क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करना ये हाई रिस्क हाई प्रॉफिट या फिर हाई रिस्क हाई लॉस कैटेगरी में जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। मान ले आज बिटकॉइन का रेट $34,000 है, तो ऐसा हो सकता है कि 2-4 दिन में उसका रेट $50,000 तक चला जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी न्यूज़ के कारण उसका रेट $10,000 तक भी आ जाए। ऐसे में वहाँ पर इन्वेस्ट करना काफ़ी रिस्की मामला है, इसलिए कई सारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स एडवाइस करते हैं कि बिटकॉइंस और क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करने से पहले हमें हमारा रिस्क एपेटाइट और हमारी रिस्क टेकिंग एबिलिटी समझनी चाहिए,
हमें उतना ही पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए जितना पैसा अगर हम कम्प्लीटली लूज़ भी कर देंगे तो भी हमारी ज़िंदगी के ऊपर कोई एडवर्स इफेक्ट ना आए। तो बड़े, तू ये कह रहा है कि मैं उतने रुपए इन्वेस्ट कर सकता हूँ जितने रुपए अगर कम्प्लीटली ज़ीरो भी हो गए तो मेरी लाइफस्टाइल के ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क ना पड़े या फिर मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में ना चला जाऊँ। एग्जैक्टली छोटे, तो बात को पूरी तरह से समझ गया है। चल अब कॉफ़ी पी, अपने को बाहर भी जाना है।